यातायात माह 2022 के अंतर्गत यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा नारमल स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में यातायात जागरूकता के संबंध में डीएलएड के 350 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। सभी प्रशिक्षुओं को यातायात नियमों का पालन करने के लिए शपथ भी दिलाया गया। आपको बता दें कि आरटीओ अनिता सिंह ने प्रशिक्षुओं को लाइसेंस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं वाहन के रजिस्ट्रेशन के संबंधित नियमों के बारे में जानकारी दी तथा यातायात एवं इसमें आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए मैपल ऐप के बारे में भी बताया गया। जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि जनपद में यातायात पुलिस यातायात माह मना रही है। इसी को देखते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर में भावी टीचर ट्रेनिंग करते हैं तो उन सभी को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं को मैपल ऐप के बारे में विस्तार से सभी जानकारी दी गई। सभी से अनुरोध किया गया कि जो भी जागरूकता की जानकारी दी गई है अपने घर, पड़ोस, मोहल्ला और विद्यालयों में सूचना को पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग रोड सेफ्टी फॉर ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानें। उन्होंने बताया कि बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था एक्सपीरियंस और सेफ्टी के लिए मैपल ऐप का प्रयोग करें। इस अवसर पर आरटीओ अनिता सिंह, डायट के प्राचार्य जयप्रकाश, यातायात निरीक्षक अजीत कुमार पांडे, रामवृक्ष शिखा सिंह, कल्पना प्रेमचंद्र, वेद प्रकाश सिंह सहित शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, डायनेमिक सर्च, आप कोई भी लोकेशन डालेंगे उसका वो रिलेटेड जो भी मंदिर डाल दिया फॉर एग्जांपल तो ऑटो करेक्ट होकर गोरखनाथ मंदिर ही आएगा। जब भी हम नेविगेट करेंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन आएगा कि टूल्स को ऑटोमेटिक को पिक करेगा, नीचे आपके एक ऑप्शन आएगा ट्रिप्स का, जैसे मैं कोई भी लोकेशन का एक ये बहुत पॉइंट पे हम अपना भी वर्किंग कर रहे हैं रियल में। रियल में क्या है कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखना चाहते हैं कि वहां का एक्चुअल जो आप जो वर्ड को मैप्स को इस पे 360 व्यू पे क्लिक करना है आपको आ रहा है किसी में 360 पे क्लिक करना है और आप उसको जूम आउट करेंगे। होम स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे टॉप में दिख रहा होगा 360, आप एक बार स्क्रीन देख लीजिए, अभी आपके यहाँ उसमें नहीं दिख रहा है। तो कि हम हर वीक अपडेट करते हैं, आपने किसी भी फ्लो पे किया वो एरिया बेसिकली 360 में दिखता कैसा है वो आपको लाइव दिखता है। ये अभी किसी ने देखा इसको, थोड़ा सा जूम आउट करना होगा मैम तो ब्लू कलर का फंक्शन आता है। मैसेंजर आप हमारा संदेश आपके माध्यम से आप जिस विद्यालय में कल जाएंगे, परसों जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे हमारा संदेश सब जगह पहुँचेगा, पूरे जनपद गोरखपुर में पहुँचेगा, आसपास पहुँचेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी। इसलिए हमने सोचा कि प्रोग्राम के लिए यहाँ पे होस्ट किया जाए, इससे कवरेज अच्छा रहेगा। रही बात ट्रैफिक रूल्स बताने की, तो बताने के लिए मेरे लिए कुछ इसलिए नहीं बचा क्योंकि मुझसे पहले बहुत सारे विद्वान वक्ताओं ने हर टॉपिक पे सब कुछ बता दिया है। मैं एक बार कुछ बेसिक्स रिकैपिटुलेट करता हूँ, अगर मेरे मतलब का कोई पॉइंट निकलता है तो चला तो जाइए जल्दी। देखिए, यातायात जागरूकता का मेन पर्पज ये है कि सड़क पे आने वाली दुर्घटनाओं में कमी करना, और आप अगर यातायात का वॉल्यूम देखें तो दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। होते हैं मेजर मेजॉरिटी जो है टू व्हीलर वालों की होती है, 50% से ज़्यादा हमेशा इंजर्ड टू व्हीलर वाले होते हैं। किसी कोई मास एक्सीडेंट हो जाए तो अलग बात है कि बस में या ट्रेन में कहीं दुर्घटनाएं हो गई, अदरवाइज टू व्हीलर इसके शिकार होते हैं, और सबसे ज्यादा शिकार इसके होते हैं यंगस्टर्स, अंडर 25 सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। अंडर 25 में देश का नौजवान आता है क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, तो उस ऊर्जा के लिए पॉजिटिव जगह लगाया जाए ना, उसके लिए हमको एक हारबिंजर बनना चाहिए, रोल मॉडल बनना चाहिए हमको कि अपने समाज में, पड़ोस में, विद्यालय में जैसे आप लोगों तो कुछ अच्छा सिखाएं।
गाड़ी का एक्सीलरेटर के लिए दबाने की बजाय कुछ नया ऐसा करें जिससे कि समाज को एक संदेश जाए। टू व्हीलर के लिए ये 70 किलोमीटर अलग अलग रोड पर है, मोहनपुर से पैडलगंज की 60 किलोमीटर है, ये ठीक करिए। 60 किलोमीटर है टू व्हीलर्स के लिए और 70 है फोर व्हीलर के लिए। ये स्पीड लिमिट दो रोड पे हमने डिसाइड की है, मोहनपुर से पैडलगंज और पैडलगंज से नौकायाम, दोनों पर स्पीड डिटेक्शन कैमरे लगे हुए हैं। इन कैमरे की लाइव फीडिंग हमारे लिए ITMS में मिलती रहती है, ITMS के टॉपिक पे अलग से भी बताएंगे, ये आपको जानना जरूरी है। यहाँ के पार्किंग प्लेसेस हैं, पार्किंग प्लेसेस आपको मैपल्स पे मिल जाएंगे, मैपल पे एक पार्किंग प्लेस अभी अपलोडेड है और बाकी और अपलोड हो जाएंगे शाम तक। पूर्ण प्रयास करेंगे, पूर्ण प्रयास करेंगे। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे, कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे, वाहन चलाते समय बात नहीं करेंगे, ना कोई मैसेज देखेंगे और ना भेजेंगे, हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और परिजनों से पालन करवाएंगे। हम कभी भी रॉन्ग साइड ड्राइविंग नहीं करेंगे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए हमेशा मदद हेतु तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। यातायात महा में सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता अभियान जो गोरखपुर पुलिस पूरे जनपद में मना रही है, इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर, जहां पर भावी टीचर्स सारे ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उन सभी के लिए सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की जानकारी ट्रैफिक पुलिस द्वारा, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट सुमित मिश्रा द्वारा और लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन संबंधी क्या नियम है उसके बारे में RTO गोरखपुर मंडल श्रीमती अनीता सिंह द्वारा और मैपल्स की टीम अंकित उपाध्याय जी के द्वारा मैपल्स ऐप के बारे में विस्तार से सभी को जानकारी दी गई और सभी से अनुरोध किया गया कि जो आपके लिए जागरूकता की जानकारी दी गई है, इस सबको अपने पास पड़ोस में, अपने बच्चों में और विद्यालय में सभी को इस सूचना को डिसेमिनेट करें, ताकि अधिक से अधिक लोग रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानें और मैपल्स ऐप का यूज करें, बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए, बेहतर एक्सपीरियंस के लिए, बेहतर सेफ्टी के लिए और सभी के लिए बाद में यातायात जागरूकता की शपथ दिलाई गई। थैंक यू।